बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। होटल सुख सागर NH 48 नियर दहमी बहरोड, तमाम सुविधाओं से युक्त शुद्ध शाकाहारी भोजन, अनोखा स्वाद आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 9991985212। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 से फरार चल रहे स्थायी वारंटी राजवीर रोड छोटू निवासी जखराना को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थानाधिकारी वीरेंद्र पाल ने बताया कि भिवाड़ी SP शांतनु कुमार एवं बहरोड DSP राव आनंद के नेतृत्व में कोर्ट द्वारा जारी स्थायी वारंट में वर्ष 2015 से फरार चल रहा वांछित अपराधी राजवीर उर्फ छोटू पुत्र ओम प्रकाश जाति हरिजन निवासी जखराना थाना बहरोड को गिरफ्तार किया है। हर माँ बाप दौलत के पीछे भागता है, और सही मायने में उनके बच्चे ही सच्ची दौलत हैं जिनको सही राह दिखाता है हैप्पी मिलिट्री एकेडमी, जहां आप लोगों के ननिहालों को सैनिक मिलिट्री, जवाहर नवोदय, गुरुकुल, RIMC व सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्री फाउंडेशन बैच की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। अमित सर मैजिशियन ऑफ मैथ के निर्देशन में 6 सितंबर 2020 को शुरू हुई हैप्पी मिलिट्री एकेडमी आज युवाओं के भविष्य को संवारने में नंबर 1 एकेडमी बनी हुई है, जहां पर बॉय एंड गर्ल हॉस्टल सुविधा सहित तमाम सुविधाओं से युक्त एकेडमी, नारनौल रोड बहरोड। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित DAV पब्लिक स्कूल में स्काउट गाइड स्थानीय संघ बहरोड के सानिध्य में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर DAV के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने धूम्रपान न करने की प्रतिज्ञा ली। विद्यालय में स्काउट गाइड ट्यूब का प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर स्थानीय संघ के प्रधान योगाचार्य घनश्याम यादव, सहायक सचिव HWB प्रवीण कुमार यादव एवं संयुक्त सचिव गाइड रेणुका यादव ने बच्चों को समाज के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद गौतम ने कहा कि समाज एवं राष्ट्र की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। स्काउट गाइड से जुड़कर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होना है। मानवता की सेवा के लिए हर समय तैयार रहना ही स्काउट गाइड का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र गौतम ने फूलमाला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया, साथ ही आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्थानीय संघ के प्रधान योगाचार्य घनश्याम यादव ने कहा कि DAV संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे विगत 137 वर्षों से समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं, जिस पर उन्हें गर्व है। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यार्थीगण मौजूद रहे। शिव बाबा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स नारेड़क भारतीय स्कूल के पास नारनौल रोड बहरोड, जहां पर बेहतरीन क्वालिटी की बजरी रोड़ी जस्ट उचित रेट पर उपलब्ध है। और हाँ, खास बात पचेरी के मीठे पानी की कोयले से निर्मित बेहतरीन ईंटें, और वो भी वाजिब रेट पर। अब मकानों में कालर लगने की सिरदर्दी ही खत्म। प्रोप्राइटर संदीप यादव पचेरी वाले। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने बीती रात को गश्त के दौरान अखेपुरा मोहल्ला में अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 52 अवैध देसी के पौवे बरामद किए हैं। थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक कांशीराम ने बताया कि रात को सहायक पुलिस उप निरीक्षक समय सिंह गश्त कर रहे थे। इस दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति अखेपुरा मोहल्ले में अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति को अखेपुरा सामुदायिक भवन के सामने प्लास्टिक के कट्टे में अवैध रूप से शराब रखकर बेच रहा था। इस पर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया है। अखेपुरा सामुदायिक भवन के सामने से एक देसी शराब बेच रहा था विजय कुमार सुनोब कैलाश सिंह, जाति हरिजन, उम्र 38 साल, निवासी लाल खान, अखेपुरा मोहल्ला का रहने वाला है। जो देसी शराब बेच रहा था, जिसको चेक किया तो उसके कट्टे में 52 पौवे मिले थे, जिसको जब्त कर जब्त किया गया था। क्या गश्त के दौरान पकड़ा था? हाँ, गश्त के दौरान, गश्त में थे समय सिंह जी ऐसे काम में पकड़ा था इसको। 52 पौवे। क्या नाम बताया इसको? विजय कुमार सनोक कैलाशम, जाति हरिजन, उम्र 38 साल, निवासी लाल खान, अखतरा मोहल्ला।
माधव अस्पताल सर्जिकल ईएनटी डेंटल ट्रोमा एंड जच्चा बच्चा अस्पताल तमाम सुविधाओं से युक्त, जहां आरजीएचएस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एमटीपीए के तहत निःशुल्क ऑपरेशन व भर्ती की सुविधा। इतना ही नहीं, आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे सहित प्राइवेट व सुपर डिलक्स रूम उपलब्ध। निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र यादव, प्रशासक नरेंद्र यादव, कुंड रोड, बहरो। अलवर में आज श्री धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए सनातन धर्म यात्रा निकाली गई, जिसके अंतर्गत अलवर के राज्य ऋषि में समाज की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई कंपनी बाग स्थित मंगल परिणाम पर जाकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जैसा कि विदित है कि अलवर में 1 जून से 8 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिस दौरान आयोजक कृष्ण गुप्ता ने बताया कि यह सनातन धर्म यात्रा नव वर्ष से प्रारंभ की गई थी, जो 33 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसमें 7वां पड़ाव अलवर का है, जिसमें सर्वप्रथम कलश यात्रा दिन में भागवत कथा तत्पश्चात स्कूल व कॉलेजों में जाकर भगवत गीता व प्रसाद वितरण कार्य किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी में सनातन धर्म की भावनाओं को जागृत करना है। अलवर अरावली पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ, जहाँ पांडवों का या भर्तृहरि का यह समाधि स्थल रहा, पांडवों का कर्मस्थली रहा, कर्म क्षेत्र रहा, यह अपने आप में एक धार्मिक नगरी के रूप लेता जा रहा है। राम कथा, श्रीमद् भागवत की कथा या सनातन धर्म की ओर से किए जाने वाले विभिन्न कार्यों, विभिन्न सत्संगों, विभिन्न प्रसंगों के साथ जुड़ी हुई आज की भागवत कथा का प्रारंभ वाचन होने वाला, उससे पहले यहाँ कलश यात्रा अभय समाज से जो प्रारंभ होने वाली है, हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें कलश लेकर के और वो यात्रा निकालने वाली हैं श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व। इसके लिए मुझे यहाँ आयोजकों ने आमंत्रित किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को और धन्यवाद देता हूँ अलवर की जनता को कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में समय समय पर भाग लेते हैं, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, हर ऋतु में कार्यक्रम करने के आदि। और तो और, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ भर्तृहरि का बहुत बड़ा नाटक होता है और पूरे देश में एक ही स्थान है जहाँ भर्तृहरि का नाटक ढंग से होता है। अभय समाज से प्रारंभ हो रही है कलश यात्रा, इसके लिए हरी झंडी दिखाने के लिए मुझे आयोजकों ने निमंत्रण दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको भी, मीडिया को भी, सबको धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहाँ हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।